हाय फ्रेंड्स, क्या आपके दिमाग में भी सवाल आते हैं जब आप ड्रीम इलेवन या फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग या फिर रमी सर्कल इस टाइप के एप्लीकेशंस के एड्स देखते हैं और आप सोचते हैं कि ये गैम्बलिंग अलाउ कैसे हो रही है इंडिया के अंदर? चलिए आज हम आपको बताते हैं कि गेम ऑफ स्किल्स और गेम ऑफ चांस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है एग्जैक्टली और कैसे ये कंपनीज अपने आप को पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट के अंडर से बचा के ऑपरेट कर रही है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जानते हैं पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट है क्या। पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट एक सेंट्रल एक्ट है जिसके अंदर सेक्शन 3 डिफाइन करता है कि अगर कोई भी पर्सन एक बंद कमरे के अंदर, एंक्लोजर के अंदर मनी की अमाउंट से कोई भी गेम खिला रहा है और कोई भी गैम्बलिंग एक्टिविटी कर रहा है तो उसको पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट के अंदर बुक किया जा सकता है और उसको सजा भी हो सकती है, फाइन भी लग सकता है। इसके अंदर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि अगर कोई भी पर्सन जानते हुए किसी को अपनी जगह देता है इन एक्टिविटीज के लिए तो उसके ऊपर भी ये केस लग सकता है। अब जानते हैं कि कैसे ड्रीम इलेवन कंपनी या रमी सर्कल जैसी कंपनीज जो हैं वो इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रही है, और अगर आपका भी इस टाइप का कोई स्टार्टअप बनाने की दिमाग में है तो आपको ये वीडियो डेफिनेटली देखनी चाहिए। उससे पहले फ्रेंड्स, आप लोग वीडियोज तो हमारे देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इनफैक्ट 85% ऑफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल। It is a huge number, so I would really appreciate if you can subscribe to the channel and share this video after you have seen it. Friends, आइए जानते हैं सबसे पहले कि exactly gambling होता क्या है और gambling ban कैसे है। See, gambling जो है वो एक state subject है, but central ने public gambling act बना रखा है एक, जिसके अंदर gambling की activities ban है सारे की सारी। अब state का ये subject है क्योंकि जो लोग नहीं जानते, कुछ लिस्ट होती है, एक सेंट्रल लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है और एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है जिसके अंदर पावर्स होती हैं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर किस चीज, कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बनाने की है, स्टेट के पास पावर कौन से लॉज के ऊपर बनानी है, और कॉन्करेंट लिस्ट में वो आते हैं जिनमें दोनों के पास पावर्स होती है लॉ बनाने की। तो गैम्बलिंग जो एक सब्जेक्ट है वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। जैसे कि आपको पता है कि गोवा जो फाइनल डेस्टिनेशन है फॉर एनी गैम्बलर टू गो टू कैसीनोस, गोवा ने अपने अमेंडमेंट कर रखी है, स्टेट अमेंडमेंट कर रखी है और कैसीनोस को अलाउ कर रखा है इंडिया के अंदर। सिमिलरली सिक्किम के अंदर भी कैसीनोस अलाउड हैं और कुछ स्टेट्स ने इसे बिल्कुल प्रोहिबिट कर रखा है। जैसे दिल्ली का अपना एक पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट है, बॉम्बे का प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट अलग से है और बहुत सारी स्टेट्स का अपना अपना एक्ट। अब आ जाते हैं, ये तो होगी गैम्बलिंग की बात, एग्जैक्टली गैम्बलिंग क्या है। अब टाइप्स ऑफ गैम्बलिंग भी एक छोटा सा जल्दी से समझते हैं। सी, टाइप्स ऑफ गैम्बलिंग जो है हर टाइप की गैम्बलिंग एक्टिविटी प्रोहिबिटेड है, हालांकि हॉर्स रेस बेटिंग जो कि बॉम्बे में यूजुअली होती है दैट इज अलाउड एंड उसके अंदर बेटिंग करना अलाउड है। रमी एक एज अ गेम आप सब लोग जानते होंगे, रमी भी अलाउड है अंडर द गैम्बलिंग एक्ट। अब ये अलाउड कैसे हुई, ये अलाउड हुई है कुछ पास्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स के हिसाब से जो कि अब हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में। सी, सुप्रीम कोर्ट के आज हम दो जजमेंट डिस्कस करने वाले हैं और सबसे बेसिक लिटमस टेस्ट किसी भी चीज को गैम्बलिंग के पर्व्यू में लाने का होता है कि क्या वो गेम गेम ऑफ लक या गेम ऑफ चांस है या वो गेम ऑफ स्किल है। सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट जजमेंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस आरएनडी चमारबाग वाला। ये 1957 की सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच की जजमेंट है। इसके अंदर पॉइंट ये उठा था कि क्रॉसवर्ड्स जो एज अ गेम जो है वो क्या गैम्बलिंग के अंदर आती, क्योंकि उसके अंदर प्राइस कॉम्पिटिशन्स थे। इसके अंदर ये हेल्ड किया गया था कि जो भी गेम जिसके अंदर गेम ऑफ स्किल्स का पार्ट हायर है देन द गेम ऑफ चांस, उस गेम के अंदर वो गैम्बलिंग के पर्व्यू में नहीं आती है। और आर्टिकल 19(1)(g) हर एक को राइट देता है टू कमेंस एनी ट्रेड इन कॉमर्स। सो इस चीज को हेल्ड किया गया था कि ये गेम ऑफ स्किल है, क्रॉसवर्ड जैसी गेम्स जो है। नाउ
उसके बाद बहुत सारे और जजमेंट्स आई हॉर्स बेटिंग रेस के ऊपर, रमी के ऊपर भी आई। हॉर्स बेटिंग को भी ये बोला गया कि हॉर्स बेटिंग जो है वो एक गेम ऑफ स्किल्स है, क्योंकि कोई भी पर्सन जो उसके ऊपर बेटिंग कर रहा है वो हॉर्स की नस्ल को देख के, उसकी फैमिली लीनेज को देख के, उसकी विंस और लॉसेस को देख के, उसकी हेल्थ को देख के, उसकी एज को देख के, इन सब चीजों को दिमाग में रख के हॉर्स बेटिंग की जाती है। सो इट्स अ गेम ऑफ स्किल्स। रमी को भी गेम ऑफ स्किल्स की तरह ही डिक्लेयर किया गया था बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नाउ मूविंग ऑन टू द लेटेस्ट जजमेंट, दैट इज यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस गुरदीप सिंह। ये 2019 की जजमेंट है जिसके अंदर बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह बोला था कि फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग जो है वो लीगल है और वो गैम्बलिंग के पर्व्यू में नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट में जब यूनियन ऑफ इंडिया विच इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब इस जजमेंट को लेके गए कि नहीं हाई कोर्ट का ऑर्डर अपहेल्ड ना होने दे और अपील की गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील भी डिसमिस कर दी और ये बोला कि गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस के अंदर बहुत डिफरेंस है। जो फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग गेम्स हैं जैसे कि ड्रीम इलेवन हो गई या रमी हो गई, ये सारी गेम्स जो है वो स्किल्स के ऊपर बेस्ड है। खासकर ड्रीम इलेवन की ऐप के अंदर लोग अलग अलग प्लेयर्स चूज करते हैं और अपनी एक टीम बनाते हैं और उसके अंदर जो वो प्लेयर स्कोर करते हैं उसके हिसाब से उनका स्कोर अप एंड डाउन होता है और उनकी विनिंग्स ऊपर और नीचे होती है। इसका डायरेक्ट नेक्सस जो होने वाले मैचेस हैं उनसे नहीं होता है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ गेम ऑफ स्किल्स एंड नॉट एज अ गेम ऑफ चांस। दोस्तों मेरा इन चीजों के अंदर काफी इंटरेस्ट रहता है, खासकर ये ग्रे एरियाज वाले उसके अंदर। इनफैक्ट 2015 के अंदर भी मैंने अपने क्लाइंट को ओपिनियन दिया था कि पोकर, ऑनलाइन पोकर की लीगैलिटी के ऊपर, कि ऑनलाइन पोकर वो एक स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते थे जिसमें ऑनलाइन पोकर खिलाना चाहते थे, कि पोकर वो खिला सकते हैं इंडिया के अंदर, नहीं खिला सकते हैं, कहां उन्हें कंपनी स्टैब्लिश करनी चाहिए और बहुत कुछ। सो टाइम टू टाइम ये सारा एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये सारी चीजें जो मैंने अपनी प्रैक्टिस के अंदर, अपनी लॉ फर्म के अंदर करते हुए देखी हैं, ये उनसे आता है। अगर आपको पोकर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो या कुछ बात हो तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी। हमारा ईमेल एड्रेस जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। वी हैव ऑलरेडी कंसल्टेड अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स ऑन दीस काइंड ऑफ सब्जेक्ट। आते हैं लेटेस्ट अपडेट के ऊपर। दिसंबर 2020 में नीति आयोग ने कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स दिए थे जो कि फॉलो करने थे इन सारी फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग कंपनीज को, जिसमें से कुछ पांच प्रिंसिपल्स मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। फर्स्ट, कि कोई भी फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग जो है वो गेम ऑफ लक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए बट गेम ऑफ स्किल्स के ऊपर डिपेंडेंट होनी चाहिए। सेकेंड, कोई भी माइनर इसके अंदर प्ले नहीं कर सकता, ये पे टू प्ले के हिसाब से गेम्स खिलाएंगे और कोई भी माइनर इसके अंदर नहीं खेल सकता। थर्ड, एक फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म को रियल वर्ल्ड के अंदर जो गेम प्ले हो रही है उसी को पोर्ट्रे करना चाहिए और अपना कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं डालना चाहिए जिसकी वजह से कोई भी ऐसा चांस हो कि वो चीज गैम्बलिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाए। चौथा, सभी टर्म्स एंड कंडीशन जो एक्सेप्ट कराए जा रहे हैं किसी भी यूजर से वो फेयर और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और पांचवा, कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट जो इन कंपनीज का होगा वो बिल्कुल फेयर कंडीशंस के अंदर होगा और कोई भी ऐसी चीज नहीं डाली जाएगी जिसकी वजह से लोग ज्यादा एंटाइस हों इसके पास आने के लिए। सो ये पांच मेन गाइडलाइंस थी जो नीति आयोग ने दिसंबर 2020 में निकाली। दोस्तों आपका माइंड बॉगल हो जाएगा जब आप इसके स्टैट्स सुनेंगे कि कितने लोग फैंटेसी गेमिंग स्पोर्ट्स के अंदर आज के टाइम पे यूजर्स खेलते हैं। 2016 के अंदर इंडिया के अंदर सिर्फ 9 मिलियन यूजर्स थे, मतलब 90 लाख लोग जो ये फैंटेसी गेम स्पोर्ट्स को खेलते थे। 2016 से 2020 के बीच में ये 9 मिलियन के लोग 90 मिलियन बन गए, मतलब 90 लाख जो लोग खेलते थे 10 गुना हो गए और 9 करोड़ लोग आज के टाइम पे खेलते हैं। मैं 2020 का आंकड़ा बता रहा हूं, 2020 से 21 के बीच में लॉकडाउन रहा है, आई डोंट नो कितने और लोग इस चीज के अंदर जंप किए हुए होंगे। तो द फ्यूचर ऑफ फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग इज ह्यूज इन इंडिया। जो मेरे दोस्त लॉयर्स हैं और लॉ स्टूडेंट्स हैं, आई वुड डेफिनेटली टेल देम टू एक्सप्लोर दिस एरिया,
बिकॉज आगे जाके बहुत सारे कंपनीज और बहुत सारे स्टार्टअप्स इस एरिया में आने वाले हैं। अब आ जाते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और डिस्कशन के ऊपर। क्या जो कैसीनो की गेम्स होती हैं, जैसे कि आपकी तीन पत्ती हो गई या आपकी पोकर हो गई या आपके ब्लैक जैक हो गई या आपकी रूले और बहुत टाइप की गेम्स और हैं, क्या ये सारी की सारी गेम गेम ऑफ चांस के ऊपर या लक के ऊपर डिपेंड करती है या गेम ऑफ स्किल्स भी है? वेल, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं टू थिंक अबाउट इट। और आपके कोई भी क्वेश्चन है उनको कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, एंड आई विल आंसर दोस क्वेश्चंस बिकॉज मैंने इस चीज के ऊपर अच्छे से रिसर्च भी कर रखी है और क्लाइंट्स को काफी ज्यादा हम लोगों ने इस पे ऊपर एडवाइस भी कर रखा है। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ गेम ऑफ स्किल्स एंड अ गेम ऑफ चांस, एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि ये ड्रीम इलेवन या इस टाइप की जो कंपनीज है ये इंडिया के अंदर वर्क कैसे कर रही है। आई एम श्योर इस इंटरेस्टिंग वीडियो के बाद आपका डेफिनेटली मन करेगा सब्सक्राइब करने का चैनल को। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑन अ न्यू लॉ टॉपिक। मैं हूं कनिष अग्रवाल, एडवोकेट एंड फाउंडर ऑफ लॉ फर्म क्रिटैक्स कॉर्प, योर लेगल एंटरप्रेन्योर फ्रेंड। टेक केयर।